ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य से यही पूछा गया कि राजभाषा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। कि जब आप रूम में एंटर की तो पहला उनका क्वेश्चन क्या था बोर्ड का? पहले ये क्वेश्चन था आपने ग्रेजुएशन कब किया, फिर मैंने इसको बताया, फिर वो पूछे कि आपका आप सर्विस प्रेफरेंसेस क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैम आपके हॉबीज़ वगैरह में क्या था और डेप से बेसिकली किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप किएगा? हॉबीज़ जैसे कि मेरा कुकिंग है तो फिर कुकिंग से क्वेश्चंस पूछा गया और क्वेश्चन ये था कि आप महिला हैं तो महिला के लिए कुकिंग करना तो ये मतलब उनके लिए मजबूरी है और ये आपकी हॉबी कैसे हो सकती है, तो फिर मैंने इसका जस्टिफाई किया। फिर मेरे सर्विस प्रेफरेंसेस से क्वेश्चंस थे। मैम करेंट इश्यू पे कुछ क्वेश्चन वगैरह बने? हाँ, क्वेश्चंस ये थे कि अभी वैश्विक स्तर पे और देश के स्तर पे क्या चल रहे हैं और मुख्य रूप से मुझसे मुद्रा स्फीति को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अभी मैम जो है कि इंटरव्यू देकर निकली बीपीएससी से, तो मैम समझानेंगे कि मैम से किस किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, कौन सा बोर्ड था और कैसे इन्होंने प्रेशर को हैंडल किया और बेसिकली इनका स्ट्रेटेजी क्या था, मोटिवेशन क्या था, कौन कौन सा बुक लिस्ट इन्होंने फॉलो किया है। तो मैम सबसे पहले इस बिल्डिंग में कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपका नाम क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड सोनाली। एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा आर्ट सब्जेक्ट रहा ग्रेजुएशन में और तब से उसके बाद मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपका मैम अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम क्या? मेरा पहला अटेम्प्ट है बीपीएससी में और मीडियम हिंदी है मेरा। मतलब मीडियम आपका हिंदी है तो बहुत अच्छी बात है। मैम कौन सा बोर्ड था और कितने उसमें मेंबर थे? करीमी सर की बोर्ड थी और उसमें चार मेंबर थे। मैम कितना परसेंटेज क्वेश्चन का आपने रिस्पॉन्ड किया और कितने परसेंट क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड नहीं किया? अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन मैंने बताया, 20% मुझे नहीं मालूम थे। आपने 20% क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, इंटरव्यू अराउंड कितने मिनट तक चला होगा? अप्रॉक्स 22 से 25 मिनट। ये तो बहुत लंबा है, बीपीएससी में 25 मिनट तक इंटरव्यू चल रहा है, यानी कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए गए। इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ, होप सो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह जो बताएं। जी मेरे मैम आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करने के लिए? मोटिवेशन का सोर्स ये रहा कि मतलब मेरा ग्रेजुएशन के बाद ये मेरा सेल्फ डिसीजन था कि मुझे करना है सिविल सर्विस जॉब कैरियर के रूप में। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि जो भी सिविल सर्विस प्रिपरेशन करते हैं कहीं ना कहीं ब्राइट स्टूडेंट होते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं इंटरव्यू तक, चाहे पीएससी हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, तो बेसिकली आप पढ़ने में कैसी, थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए। मेरा ठीक रहा, बहुत मैं जीनियस भी नहीं थी, बहुत एवरेज भी नहीं थी, मतलब मीडियम कह सकते हैं। कितने घंटे पढ़ाई की होती थी आपका डेली, मतलब रूटीन वगैरह क्या हुआ? सर अप्रॉक्सली 5 से 6 आवर मैं पढ़ती हूँ। मैम प्रीलिम्स के आपके रिसोर्सेज जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी 67 का प्रीलिम्स होगा आज नहीं तो कल, हालांकि वो तो कैंसिल हो चुका है, तो बेसिकली उसका प्रीलिम्स जो किस स्ट्रेटेजी की बात करें वो क्या होगा? मेनली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के पता चल जाते हैं और न्यूज़पेपर करने होते हैं कि कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना होता है, फिर साइंस ये सब से रिलेटेड। रिसोर्सेज क्या है? सर रिसोर्सेज अपने अपने अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं और सबको पता ही है रिसोर्सेज के बारे में आज के टाइम में। तो मेंस की बात करिए तो मेंस में सर राइटिंग स्किल कैसे बेहतर किया जा सकता है? वो डेली प्रैक्टिस से ही आती है और प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उसको लिखना चाहिए तो उससे बेहतर हो जाता है। मैम एनसीईआरटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़कर हम आईएएस नहीं बन सकते हैं, पीसीएस ऑफिसर नहीं बन सकते, लेकिन एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस है मतलब किसी भी सर्विस? सर जैसे कि बेसिक के लिए तो एनसीईआरटी ज़रूरी है, आपकी बेसिक क्लियरिटी वहीं से मिलती है और बाकी 11 12th की सफिशियंट होती है। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ने होंगे। कुछ स्टैंडर्ड बुक का नाम मेंशन कीजिए। सर जैसे कि पॉलिटी के लिए सबको पता है एज लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए हो गए, और अगर ज्योग्राफी है तो उसके लिए भी बहुत सारे बुक हैं, तो उसमें से आपको जो समझ में आए जिसकी भाषा सहज हो वो उसे पढ़ना चाहिए। बीपीएससी में मैम जो आंसर राइटिंग स्किल होना चाहिए वो किस टाइप होना चाहिए, बुलेट फॉर्म होना चाहिए, पॉइंट फॉर्म होना चाहिए, पैराग्राफ कैसे होना चाहिए? ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर में इस तरीके से लिख सकते हैं। मैम आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो और जो कि उसमें पार्ट है स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जो है मैथमेटिक्स या फिर साइंस बैकग्राउंड वाले बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप लोग इसको कैसे कम्प्लीट करते हैं? उसके लिए जो है 3-4 पोर्शन पे फोकस किया जाए और वो मेनली बेसिक कर लेते हैं आप, तो फिर वो क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। कोचिंग वगैरह कितनी इंपॉर्टेंस है, आपने कोचिंग लिया तो उसका कितना भूमिका रहा और बिना कोचिंग क्या पॉसिबल वगैरह है? हाँ कोचिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन एट लास्ट आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, सेल्फ स्टडी करने होंगे तो बेटर होगा। पटना में अपने रह के तैयारी किया फिर दिल्ली वगैरह कहाँ आपने? सर पहले मैं दिल्ली थी लेकिन अभी मैं बीपीएससी के दौरान मैं पटना में हूँ। यानी कि आपने बीपीएससी वगैरह का भी कोई अटेम्प्ट वगैरह? जी मैं एक अटेम्प्ट दी हुई हूँ। उसमें क्या रहा था?
उसमें मेरी प्री क्लियर नहीं हो पाई थी। और बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुँचे? जी सर। मैम एस्पिरेंट जो है कि डीमोटिवेट होते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे इंटरव्यू तक आ गई हैं, तो कैसे खुद को मोटिवेट रखें? खुद को मोटिवेट करने का एक ही वजह है कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि आखिर मैंने स्टार्टिंग क्यों किया प्रिपरेशन। अगर आप ये सोचते हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, और कभी कभी अप्स डाउन आते हैं तो इसके लिए वहाँ पर अपने पेशेंस को बनाए रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, विश कि आपका सिलेक्शन हो और आपका प्रॉपर इंटरव्यू करने का मौका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।